उत्तर प्रदेश तो खूबसूरत जिले जशपुर को विकसित जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरे इस जिले को पिछड़ेपन से उभारने की दिशा में ये एक बड़ी शुरुआत है। आखिर किस तरह से होगा जिले का विकास और भूपेश सरकार किस तरह कर रही है विकास, देखिए रिपोर्ट में। उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाला जशपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में पहाड़ी कोरवा उराव जनजाति के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। यह जिला पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। बावजूद इसके यह जिला राज्य गठन के 20 साल बाद भी विकास क्रम में पिछड़ा ही रहा। ऐसे में इस जिले को पिछड़ेपन से उबारने की शुरुआत भूपेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 800 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात जिले वासियों को दी है। आइए बताते हैं कि किस तरह से जशपुर जिले का होगा विकास। जशपुर जिले को 800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन स्थलों में सौंदर्यकरण, नए रिसोर्ट सुविधाओं का विस्तार, जशपुर जिले की जनजातियों संस्कृतियों परंपराओं को जानने का बड़ा केंद्र संग्रहालय, गांव के विकास के लिए 200 नए विकास कार्य स्वीकृत, सन्ना में अस्पताल, कोतबा में उद्यानिकी कॉलेज, जशपुर में तीरंदाजी अकादमी, जशपुर और सन्ना के बीच 9 किलोमीटर सड़क निर्माण, ईब नदी पर पुल निर्माण, बगीचा अस्पताल के संधारण और मुक्ति धाम के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कक्षा 10 और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले और नीट में सफल 14 विद्यार्थियों को लैपटॉप। मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर में पर्यटन के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जिले को इस दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। जशपुर आने के बाद यहाँ आत्मीय स्वागत हुआ और यहाँ करीब लगभग 800 करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन का हुआ और बहुत सारी मांग हमारे विधायक जी ने रखी है, उसकी घोषणा मैंने की है। जशपुर विधायक विनय भगत का कहना है कि जिले के विकास को निरंतर गति देने का काम जारी है। पर्यटन हो या फिर खेल, इस दिशा में विशेष काम हो रहा है। जिले में अनेक विकास कार्य हुए हैं। आज पर्यटन का जो रिसोर्ट है हमारा सरना एथेनिक रिसोर्ट, यह बनकर तैयार है जिसमें सैलानियों के लिए रुकने के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। यह हॉकी स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया और यह भी काम अभी लगभग पूर्ण की स्थिति में है और मेरा प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरना को तहसील घोषित किया है। जिस तरह से जशपुर को संवारा जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह जिला प्रदेश ही नहीं देश में एक पर्यटन जिले के रूप में पहचाना जाएगा। जशपुर से मिथिलेश गुप्ता के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।